जैसे ही चेतेश्वर पुजारा ने अपने करियर का सबसे तेज शतक जमाया, केएल राहुल कुछ इस तरह उनका अभिवादन करते हुए नजर आए। लेकिन फिर जो हुआ जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त बांग्लादेशियों पर 512 रनों की बढ़त देकर लगभग जीती चुकी है। जहां पर शुभमन गिल ने अपने कैरियर का पहला शतक जमाया, वहीं दूसरी ओर चेतेश्वर पुजारा ने अपने कैरियर का सबसे तेज शतक लगा डाला। हालांकि भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल काफी पहले ही पारी को घोषित कर देना चाहते थे, पर चेतेश्वर पुजारा के मोस्ट अवेटेड शतक के लिए उन्होंने भी पूरा वक्त दिया और चेतेश्वर पुजारा ने अपना 5वां गियर लगाकर सबसे तेज शतक जमा डाला। जैसे ही शतक कम्प्लीट हुआ, केएल राहुल तुरंत अपनी चेयर में खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अक्सर चेतेश्वर पुजारा की पारी भारतीय टीम के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से केएल राहुल ने तुरंत विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को उनके शतक के बाद वापस बुला लिया। आपको इसमें कुछ कहना तो होगा ही, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।